अरे सर ये क्या है? दोस्तों याद है कल मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं अभी आपकी क्लास के पहले ना इसमें वाईआर यशराज फिल्म्स की उसमें गया, यूट्यूब चैनल पे गया। बहुत यशराज चोपड़ा साहब बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़े आदमी, एक से एक मूवी बनाया उन्होंने, ऐसी फन फन के तरीके पे लीजिएगा। तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट उसमें वाईआरएफ में कम्युनिटी पोस्ट रखा था, थग्स ऑफ हिंदुस्तान सेलिब्रेटिंग 3 ईयर्स ऑफ थग्स ऑफ हिंदुस्तान। गजब यार, मतलब मानना पड़ेगा यार। लेकिन सर जी एक बात बोलूं क्या? हाँ हाँ बताइए सर। ये भयंकर बकवास पिक्चर थी दोस्तों। इसके नीचे ना जो पहला कमेंट है किसी व्यक्ति का होगा, मिस्टर अभिषेक करके एक लड़का है, आप देखिएगा वाईआरएफ यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे तो पहला कमेंट जो टॉप मोस्ट कमेंट है वो यही है, आई नीड दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ। आई गॉट जबर, और इसको तकरीबन 900 लोगों ने लाइक किया दोस्तों। I want this kind of confidence in my life. इसको बोलते हैं extreme sarcasm. इसको sarcasm थोड़ी बोलते हैं दोस्तों, इसको absolute burnt बोलते हैं, burnt. ये absolute sarcasm है, किसी को criticize करना, किसी को chastise करना, censure करना, दोस्तों किसी का मजाक उड़ाना, मस्ती करना, इसके लिए words कम से कम 3 synonym लिख दें जी। किसी का मजाक उड़ाना, किसी को criticize करना, याद रखिएगा criticize करने के लिए एक शब्द होता है CENSOR या फिर CENSURE। सर कौन सा होता है दोनों में से, आपको बताना है जी, आपको बताना है सर। CENSS, एक मिनट, अगर प्रॉब्लम हो उसमें, आप में से सारे के सारे लड़के, ज्यादातर लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, करेक्ट है। आपको अगर पता चलता है कि एक पिक्चर आई और वो बैन हो गई, कारण किसी कारणवश बैन हुई, आप में से जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के हैं क्या करेंगे? सबसे पहले तो जाकर ढूंढो, तुरंत डाउनलोडिंग में लगाओ भाई साहब, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए अपने से। तो सेंसर बोर्ड ने उस पिक्चर को कर दिया था सेंसर, और सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। साथ चल रहे हैं दोस्तों, सेंसर का मतलब है क्रिटिसाइज करना, सेंसर का मतलब है मॉक करना, MOCK, सेंसर का मतलब है रिडिक्यूल करना, RIDICULE, रिडिक्यूल करना। सेंसर का मतलब होता है JEER, जियर करना। सेंसर का मतलब होता है चेस्टाइज करना, भी आप ले सकते हो, एक रिडिक्यूल डिराइड भी ले लो, चलो DERIDE। इन सारे शब्दों का मतलब होता है मजाक उड़ाना। सारे के सारे बच्चे साथ चल रहे कि नहीं? सुपर तरीके से साथ चल रहे कि नहीं? दोस्तों जानते हो क्या हुआ, मैं और आप ना ये बातों को कर रहे थे, अचानक ISC बैंगलोर के सर ने देखा, यार ये तो मस्त कम्युनिटी पोस्ट है। दोस्तों पता है क्या हुआ, फिर ISC बैंगलोर के एक टीचर साहब ने क्वेश्चन दिया, टुडुम, ये क्वेश्चन दिया दोस्तों, अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो 30 सेकंड में आंसर उसको, इस क्वेश्चन को उठा के पटक दीजिए, एकदम इस क्वेश्चन को उठा के पटकना तो मानता है बाबू, क्या बोलते हैं दोस्तों, मेरे को 200% एनर्जी चाहिए थी ना, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश के दिन वो कैब के दिन 300, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो कैब अच्छा नहीं है, वो सब मेरे पर छोड़ दो, अगर नहीं है तो वो सब विल टेक केयर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दोस्तों इन्होंने पूछा था ISC बैंगलोर ने 2016 में, क्या पूछा था? ऑड वन आउट, याद रखिएगा ये पैटर्न आपके एग्जाम में लड़कों सुपर से भी ऊपर का इंपॉर्टेंट। भाई साहब यूट्यूब का कमेंट बॉक्स वो मतलब ना ब्लॉक कर डालो ना यार, क्या इसमें संकोच करो, फोड़ दो ना, उठा के पटक दो क्वेश्चन को, उठा के पटक दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड वन आउट। सर क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस तरह के क्वेश्चन? बाबू एक बात सुनो, क्या 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 सर, अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लासेस सभी के लिए फ्री रहती है क्या? हाँ सर, कल 2022 में वर्बल का पेपर कैसे आ सकता है ये रखा है, मजा आएगा कि नहीं? सभी लोगों के लिए रखा है दोस्तों, स्पेशल क्लास सभी के लिए रखा है, मस्त तरीके से उसमें ST26 लॉगिन लगाइएगा, मस्त तरीके से सभी लोग लॉगिन कीजिएगा, कल मजा आएगा, क्या बोलते हैं, कल रात को 8 बजे, ठीक है? तो वर्बल का पेपर इस साल आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ID खड़कपुर से उस पे पेपर है। मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, जियर करना, ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स, मजाक उड़ाना। प्रेज करना मतलब तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, ऐसे वाली चीज, जैसे तारीख पे तारीख थी ना, वैसे तारीफ पे तारीफ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रेज करना मतलब किसी की तारीफ करना, सो दिस इज द ओनली वर्ड विच इज पॉजिटिव। मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, क्या मजा आया यार। सर अभी आप कुछ डायलॉग मारे थे ना, हाँ सनी पाजी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही माय लॉर्ड, मगर इंसाफ ना मिला, तारीख पे तारीख मिलती रही। सर सनी पाजी को एक बार पूछे क्या? अरे आई गए तुरंत, पीछे आसपास ही थे, आसपास है। सर जी एक बार वो डायलॉग हो जाएगा, कौन सा लड़को? सर वो जो आपकी डायलॉग नहीं दामिनी पिक्चर का वो वाला,
कौन सा वाला बोल रहे हो? सर तारीख पे तारीख मिलती रही। अच्छा ये तारीख पे तारीख मिलती रही। माय लॉर्ड मगर इंसाफ ना मिला। सनी पाजी लैम्बास्टेड द जज साहब। अग्री करते हैं क्या दोस्तों? लैम्बास्ट करने का मतलब क्या होता है सर? यही होता है डांटना, फटकाना, बिरेट करना, अपब्रेड करना। क्या बात है यार, सिर्फ डांटने से इतने वर्ड्स हो गए यार। साथ चल रहे हैं कि नहीं? मजा है कि नहीं लड़कों? मस्त तरीके से साथ चल रहे कि नहीं? भाई साहब ये तो मैं सुनूंगा ही नहीं कि मेरा वो क्या बच्चा नहीं है। अरे अच्छा कैसे नहीं हुआ? हर एक ये सिर्फ स्किल है, हर एक स्किल तो हम यही सीखे, इसी दुनिया में सीखे, कहां जाके सीखेंगे भाई? अपग्रेड करना, ये लो जीआरई वाला वर्ड आ गया, अपग्रेड करना, रिप्रीमेंड करना। अच्छा मैं भूल गया था बोलना, REPRIMAND, ये सब डांटना फटकारने को ही बोलता है दोस्तों। रिप्रीमेंड एक्सक्यूज मी, बिरेट करना, क्या लिखे हो जी? यस लैम्बास्टेड, सनी पाजी लैम्बास्टेड द जज साहब। यहां तक के मजा आया क्या दोस्तों? एक बार कोई भी एक बच्चा सारे के सारे वर्ड्स लिख देगा, क्रिटिसाइज करना, डांटना फटकारने के कितने वर्ड्स लिखवाया भाई साहब? एक से अपन उड़ा देंगे ना अपन लोग। मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, स्नियर, स्पर्न, स्कॉन, डेफेट, डिस्पैरेज, और भी लिखवा सकता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है इतना काफी है। सो मॉक करना, डिराइड करना, रिडिक्यूल करना, जियर करना, डांटना फटकारना, सेंश्योर करना, चेस्टाइज करना, लैम्बास्ट करना, अपब्रेड करना, सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे लड़कों, क्या बोलते हैं जी? अपन अभी सिनोनिम में ज्यादा नहीं जाएंगे। याद रखिएगा मैं फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, क्यों? सबकॉन्शियस तक जाएगी तभी तो वर्ड्स। सभी लोग सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे क्या दोस्तों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कर, भाई साहब जो लोग लेट से लॉग इन कर रहे हैं, नहीं या तो फिर लॉग इन ही मत करना, लेट से लॉग इन अवॉइड, मतलब वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब मेरे बर्दाश्त के बाहर है दोस्तों। 60 मिनट समझने की नहीं, स्टेक पे क्या है? अपना मैग्निफिशेंट करियर। दुनिया में अगर डरना है तो किसी से डरोगे बताओ? अगर किसी से डरना है सो डरना है किसी से, फियर ऑफ मीडियोक्रिटी। व्हाई यू वांट टू बी मीडियोकर इफ यू कैन बी ऑसम, है ना? तो अपने को थोड़े से डिसिप्लिन को फॉलो करना है गजब तरीके से। आप देखेंगे तो पहले कितने सारे बच्चे आगे पहले रहते हैं। सोचो ऑनलाइन की क्लास है यार, ऐसा भी नहीं कि क्लासरूम है, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है, गुड टू सी। बाकी लोग भी फटाफट लॉग इन करते आएगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग वाले हैं, ज्यादातर लड़के इंजीनियरिंग वाले ही हैं, तो बहुत सारे लड़के दिल जले आशिक भी होंगे। हाँ सर दिल जले आशिक तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं सर। सर मैं तो मैकेनिकल का हूँ ना, मैकेनिकल का हूँ इसलिए। तो दोस्तों उसमें से ना कई एकदम रोंदलू आशिक भी होंगे। हाँ रोंदलू आशिक भी, हाँ हाँ राइट राइट सर। एक वो पिक्चर देखियो आप, कौन सी पिक्चर? एक वो रोंदलू पिक्चर क्या नाम है, ऐ दिल है मुश्किल, देखिए ऐ दिल है मुश्किल। दोस्तों ये बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं मेरे को भी, लेकिन ऐसे एकदम रोंदलाया रोंदलाया रोल बहुत ज़्यादा करते हैं यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम यार, मतलब जो एक्चुअल रोंदलू लोग भी थे वो लोग को भी थोड़ा सा लगता है यार बस ना यार कैसे कर रहा है यार। तो रणबीर कपूर साहब लगते बहुत बढ़िया है, बर्फी वर्फी पिक्चर इनकी बहुत लाजवाब है, लेकिन भाई साहब ये तो मतलब दोस्तों इसमें एक सॉन्ग है ब्रेकअप सॉन्ग, क्या तो क्या दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ये सॉन्ग सुना आपने? हाँ सर सुनो, ये सॉन्ग सुनते मेरा डांस निकल जाता सर, गंदा डांस करता हूँ लेकिन डांस निकल जाता था मेरा। यहाँ पे जरा ब्रेकअप की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे जरा ब्रेकअप की स्पेलिंग देखिए दोस्तों। और सर ब्रेकअप की स्पेलिंग क्या देखूंगा, अब भी करवा के आ रहा हूँ मैं तो। क्या बोले? नहीं कुछ पर्सनल बता दिया था सर। क्या बोल रहे हैं सर? क्या 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 बोले, क्या बोले सर? वो बोल रहा हूँ ब्रेकअप की स्पेलिंग तो देखो यार। अरे यार सर इसमें क्या देखूं सर? दोस्तों देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेक्स, BREAK, और आप में से सबसे बढ़िया जो गाड़ी चलाते हैं, मुझे लगता है कि लड़कियां सबसे बढ़िया गाड़ी चलाते हैं दोस्तों। एक ही हो गया BREAK और एक हो गया BREAKE, लेकिन बस मैं ये बोलता हूं कि इंडिकेटर अपने को यूज करना चाहिए, है ना? तो जैसे मैं देखा कि यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि अच्छे चलाते हैं आप में से लड़कियां, बढ़िया चलाते हैं, लेकिन राइट इंडिकेटर देके थोड़ा कई बार लेफ्ट मोड़ते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट, कई ऐसे भी अच्छे होते हैं दोनों इंडिकेटर चला के चलते हैं। दोनों क्यों चला रहे? अरे सर क्यूट ही इतना ज्यादा लग रहा है मेरी स्कूटी का, मतलब गाड़ी का कलर देखिए दोनों इंडिकेटर से लिप लिप कर, क्या क्या क्यूटनेस इतना ज्यादा है, आज तक कभी चला नहीं, क्यूटनेस के कारण चला नहीं हुआ तो ठीक है जैसा भी है। तो दोस्तों वहां पे एक ब्रेक भी होता है, वो ये वाला है, नहीं वो ये वाला है दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, यू वोंट बिलीव, इन द ईयर 2018 हु फाउंड दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, IIT गुवाहाटी फाउंड दिस क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। तो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर साहब एकदम गजब टाइप से एंजॉय कर दोस्तों सॉन्ग को, दिल में पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, उसे एकदम डांस किए पड़े थे गजब टाइप से। उन्होंने बोला बस मैं गेट वाले बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को दूंगा, टुडुम। गाइस क्या बोलते हैं 30 सेकंड्स में आंसर मार्क करेंगे, 30 सेकंड्स गाइस क्या बोलते हैं? भाई मेरे स्टूडेंट हो तो मारोगे और क्या, नहीं तो फिर ऐसे तो मजा नहीं आ पाएगा अपने को।
30 seconds, mark your answers. 30 seconds, guys. The driver applied the blank as soon as she approached the hotel where she wanted to take a superb. Behtareen. So the driver applied the brake. So B-R-E-A-K is incorrect. So what is that we are left with? Hamesha yaad rakhiye, English ka question jab bhi bana, English is, we are not native speakers. To main bahut badhiya. मैं पर्सनली मानता हूं कि वो एलिमिनेशन करना चाहिए. सो बी आर ए के ई एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स सी द सेकंड प्रैंक. सो द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक एज सून एज शी अप्रोच द होटल वेयर शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक. वी वर ऑन अ ब्रेक. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए. मजेदार तरीके से, सुपर्ब तरीके से, मस्त तरीके से साथ चल रहे कि नहीं चल रहे भाई साहब? एकदम गजब तरीके से, जबरदस्त तरीके से. एक तो यार इतने सारे एक्टर्स हैं उसमें कुछ भी बोलो, अक्षय कुमार साहब की बात अलग है यार. मतलब नेक्स्ट लेवल व्यक्ति लगते हैं. एक तो इतना डिसिप्लिन जिंदगी जीते हैं, जल्दी सो जाते हैं, सुबह उठते हैं. 50 कितने इयर्स के तो है ना. अभी वो बेल बॉटम पिक्चर है, क्या सॉलिड लगे थे यार. अभी वो बेल बॉटम में इतना जो डांस कर सखियां करके क्या सॉन्ग था, कितना हिट हुआ वो सॉन्ग, कितने ही तो मिलियन व्यूज चलेगा उसके. अभी भी आए हैं क्या सूर्यवंशी या सूर्यवंशम, क्या पिक्चर, उसमें गजब टाइप के लगते ही जबरदस्त है, नेक्स्ट लेवल व्यक्ति लगते हैं. हमने कहा सर जी आपसे तो बहुत सारी चीज अपन सीख सकते हैं, राइट? सर जी यू आर एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल व्यक्ति. तो हमने बोला एपोजी पे अक्षय कुमार साहब हमारे. एपोजी मतलब शिखर पे, शिखर पे हमारे अक्षय कुमार साहब. शिखर पे अक्षय कुमार साहब हमारे. शिखर पे मतलब सर पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक में कुछ भी बोल दो. अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट बोल रहे क्या सर? यस यस यस. मेरे साथ चलना दोस्तों ना, मिस नहीं करना. If you want, you can say peak, P-E-A-K, peak. Pinnacle, P-I-N-N-A-C-L-E. Pinnacle पे अक्षय कुमार साहब. Apex पे अक्षय कुमार साहब. Is it final, buddy? Yes, आप लोग के फेवरेट एक्टर हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए भाई. Peak, Pinnacle, Apex, Acme, Summit पे भी लिख सकता हूँ क्या सर? हाँ, Summit भी लिख सकता हूँ. S-U-M-M-I-T, Summit. Zenith लिख सकता हूँ क्या सर? Z-E-N-I-T लिख सकते हैं. Zenith पे अक्षय कुमार साहब. Z-E-N-I-T-H. दोस्तों याद रखिएगा, जो भी वर्ड्स मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ये वर्ड्स आपके एग्जाम, दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछे जाएंगे. मेरा प्रॉमिस है ना, आप ध्यान रखना. गेट से लेके इंजीनियरिंग सर्विसेज तक के वर्ड्स अपन यहां पे देख रहेंगे दोस्तों. मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुना एक चीज को. 60 मिनट यार, 60 मिनट सिर्फ, ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं दोस्तों. GRE के पेपर में क्वेश्चन दिया गया, मेरे स्टूडेंट को मारना ही पड़ेगा. आंसर मारो भाई इसका आंसर. ये जीआरई क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है भी नहीं. इसमें पूछा था सिनोनिम मारो, इसका आंसर यू हैव टू मार्क द सिनोनिम. ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन वैसे. व्हाट डू यू से गाइस? ए बी सी डी. व्हाट इज आंसर? छापने की जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन को, मैं भेजूंगा सब. मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, एफटी एक्सप्रेस पे. सब लिखने की जरूरत नहीं, लिखना मत, एंजॉय करना. वर्ड्स को लिखना, कीवर्ड्स को, सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, इस तरह की चीजों को लिखना है. एपोजी पे अक्षय कुमार साहब. लाइकली अकरेंस, नहीं अकरेंस वगैरह से कोई रिलेशन नहीं है. शॉर्ट सेइंग वो तो विटी रिमार्क्स वगैरह को बोलते हैं, कटाक्ष को, मैक्सिम्स को बोलते हैं. एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लॉन्गिंग, ये क्या चीज है? नहीं, हाइएस्ट पॉइंट, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक में. दोस्तों 3 सिनोनिम कॉमेंट बॉक्स में लिख दें, मत संकोच, मेरी बात मानो ना, ट्रस्ट करता हूं इतना मेरे पर. बिना देखे 3 सिनोनिम जो दिमाग में आ रहा लिख दो, जो दिमाग में आ रहा 3 सिनोनिम खट लिख दो. 1 घंटे तक यार, पूरे वो 1 घंटे का टाइम मुझे दे दो ना. मैं आपको प्रॉमिस करूं 30 आवर्स के बाद यू विल बी चेंज्ड पर्सन. मेरा प्रॉमिस आपसे, मेरा प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस कर दिया ना आपको मैं. दोस्तों जब अक्षय कुमार साहब को ले रहे हैं यार, तो एक और अपने चैंपियन है कौन आपको याद है? ब्रेटली की एक बॉल याद है जो शॉट ऑफ पे फेंका था उसने, कहां गए बॉल? अपने इधर बॉल रखा था, अभी मैं बॉलिंग ही कर रहा था एक्चुअली यार. ओए यार किधर रख दिया मैं, एक्चुअली आपके क्लास के पहले मैं से नॉक कर रहा था. अच्छा ये रहा, आपको ये वो याद है, वो वाला सीन याद है? एक ब्रेटली एक बॉल फेंकता है, याद है आपको? एकदम ऐसे जुप से फेंकता है, और सचिन तेंदुलकर साहब ने कट से मारता स्ट्रेट डाइव, याद है वो सीन आपको? याद है? हाँ सर, वो वाला सीन मेरे को याद तो है, वो वाला सीन ना सर मेरे को याद तो है. हमने बोला सर जी यू आर नेक्स्ट लेवल. हमने बोला सर जी समिट पे सचिन तेंदुलकर साहब. दोस्तों क्रिकेटर्स बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ सचिन तेंदुलकर साहब है, दूसरी तरफ क्रिकेटर्स है. नहीं तो हमने बोला समिट पे सचिन सर हमारे. नेक्स्ट लेवल है सर, आप नेक्स्ट लेवल. मतलब कुछ शॉट अनरियलिस्टिक है सर आपके, मतलब ऐसा ये गलत बात है सर, इतना अच्छा नहीं खेलना चाहिए. मतलब ये तो वो याद है, कुछ शोएब अख्तर को जैसे सिक्स मारे थे अपर कट,
अरे सर ऐसा कौन खेलता है सर, ये तो एकदम मतलब अनरियलिस्टिक है, तो ऐसा तो खेलिए सर कि हम लोग कॉपी कर पाए, ऐसा खेल देते जो हम लोग कॉपी भी नहीं कर सकते, तो ऐसा थोड़ी होता सर। सर यू आर नेक्स्ट लेवल। समिट पे सचिन तेंदुलकर साहब, दोस्तों जीआरई में एक और क्वेश्चन पूछा गया, आंसर मारेंगे दोस्तों। व्हाट डू यू से, व्हाट इज द आंसर गाइस? ए बी सी एंड डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? गो अहेड। पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, समिट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब। दोस्तों 2013 की बात है, IIT बॉम्बे ने देखा कि यार ये लड़के लोग तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। IIT बॉम्बे ने बोला रुको बाबू, तुमको बताते हैं, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हम लोग बोले कैसे 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 सर, सबका बदला कैसे, फैजल कैसे, फैजल कौन है सर? वो छोड़ो, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ओके कैसे? IIT ने बोला कि यार ये समिट सुमिट अपन नहीं पूछेंगे। तो फिर सर एकदम टुपुक से उल्टा पूछेंगे, टुपुक से, टुपुक से उल्टा मतलब सर। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा मारेंगे दोस्तों इसके आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से। देख सकते हैं दोस्तों IIT बॉम्बे ने 2013 में बोला अपन टुपुक से उल्टा पूछेंगे। सो गाइस, पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, मुझको आंसर चाहिए दोस्तों। 60 मिनट ही आप लोग की नहीं है ना, ये 60 मिनट मेरे रहते, ध्यान रखिएगा। सो व्हाट एवर यू से पीक, पिनाकल, एपेक्स, एक्मे, उस एक्मे नहीं पूछता कोई, जेनेथ, ZENITH, एपोजी, एपोजी, यू नो व्हाट एग्जैक्टली एपोजी इज? एपोजी इज, इफ दिस इज अर्थ, प्लैनेट अर्थ, एपोजी इज द पॉइंट When moon is at the longest distance, moon जो सबसे अधिक distance होता है पृथ्वी से, and the shortest distance is called perigee, and the shortest distance between moon and earth, this is called perigee, and that is why at times perigee is used as synonym of nadir. याद रहेगा? इस दिन आपको साइंस एंड टेक के सेशन में बताऊंगा पेरिजी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब चांद जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है ना, तो सबसे अधिक जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एपोजी, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज पेरिजी, एंड दैट इज व्हाई एट टाइम्स पेरिजी इज यूज्ड एज एंटोनिम ऑफ, सॉरी, एज सिनोनिम ऑफ नादिर। नादिर के लिए देयर वन मोर वर्ड वी यूज एंड दैट इज एबिस। सर व्हाट इज एबिस? ए बी वाई एस एस, एबिस। व्हाट इज एबिस सर? एबिस इज हेल, नरक, बॉटमलेस, जैसा कोई अंत ना, अंतहीन। What is that? The closest mean synonym. So nadir, highest one, no, exact opposite हो गया, तो lowest, medium, medium और integration ये सब क्या आया? So this is the answer. इसे final buddy, superb तरीके से अभी खूंखार खतरनाक तरीके से clear है कि नहीं, ये बताओ। दोस्तों जब सचिन तेंदुलकर साहब जैसे legend व्यक्ति को लिए ही हैं, तो हम ये भी बोलते हैं ना सर, क्या एपिटमी पे सचिन तेंदुलकर साहब हमारे, क्या बोलते हैं गाइस? बॉडी से एपिटमी पे सचिन तेंदुलकर साहब हमारे, अग्री करते हैं क्या एपिटमी पे सचिन तेंदुलकर साहब हमारे? सर सांस सुल गई मेरी सर, मैं थक गया, बहुत ज्यादा थक गया सर। कितने सारे वर्ड्स बोलते थे आप? बहुत ज्यादा वर्ड्स बोले सर, 20 मिनट में इतने सारे वर्ड्स लिखा दिए आप मेरे को, थक गया सर मैं, थक गया मतलब कितना थके? बहुत ज्यादा सर, मेरी सांस फूल गई, मतलब कितना ज्यादा थके सर? इतना ज्यादा थक चुका मैं, इतना ज्यादा। ओके ओके ओके, उसने इसके लिए एक वर्ड है, एनर्वेट, नेवर एट। व्हेन यू नेवर एट यू फील एनर्वेट, साथ चल रहे हैं क्या? क्या बोलते हैं जी? व्हेन यू नेवर एट यू फील एनर्वेट, याद रहेगा? व्हेन यू नेवर एट यू फील एनर्वेट, निमोनिक्स तैयार कर दो, क्या दिक्कत है? व्हेन यू नेवर एट, जस्ट एक राइम है, इट्स जस्ट राइमिंग। Never ate you feel enervate. Enervate is lack of energy. Is it fine, everybody? Guys, is it fine? एकदम सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से सबसे साथ चल रहेगी मेरे दोस्तों, एकदम मेरे को 300% एनर्जी है ना वो कैब में, तो एकदम मेरे को 300% जोश चाहिए था, 300%, 200% से कुछ नहीं होता ना, 300%। आपको ये याद रखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन सभी को ध्यान से सुनने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, राइट? सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से रेडी है? When you never ate, you feel enervate. ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा गजब। दोस्तों आप में से हर एक बच्चे को कम से कम दो वर्ड लिखना है जो आज की क्लास में मैंने अब तक कभी भी बोला है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, नेक्स्ट 30 सेकंड्स, आई एम टेकिंग हॉल्ट ऑफ 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में वॉट एवर आई सेड, जो भी दो वर्ड्स आपके दिमाग में सबसे पहले है, कॉपी मत देखना, बिना देखे दो वर्ड जो आपके दिमाग में सबसे पहले है, वॉट एवर वी डिस्कस, राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। गो एट गाइस, 30 सेकंड्स आपके पास, 30 सेकंड्स ज्यादा नहीं दूंगा दोस्तों, तैयार रहिएगा।
तैयार हो जाइए, 30 सेकंड्स गाइस। क्या क्या आंसर बोलते हैं? एपोजी, बहुत बढ़िया, नाइस। दोस्तों मेरे पर ट्रस्ट रखना, फटाफट लिखते आना बस, बाकी विल सॉर्ट इट आउट। मॉक, एपिक, बहुत बढ़िया। एनर्वेट, डेराइड, रिडिक्यूल, सेंटिनल तो ऐसे नहीं बोला लेकिन स्वतंत्र ने ठीक लिखा, ठीक है। जेनेथ, पिनाकल की स्पेलिंग ठीक करो, सचिन नायक। अप्लॉम अभी बोला नहीं लेकिन हर्षिता ठीक, अच्छा कि आपने लिखा, कल पढ़ा आपने ना, सही है। जेनेथ, सेंशोर, समिट, अंश, बहुत बढ़िया लड़के। चलो 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 यार, इतना मत रुको। समीर, एक और वर्ड लिखो, तुमने सिर्फ जीयर लिखा है। हिरेन ठक्कर, वेल डन, शाबाश लड़के, ग्रेट। सभी लोग रेडी है दोबारा लड़ने के लिए अपने साथ? दोबारा रेडी है? शाहरुख खान साहब की भाई, यश चोपड़ा साहब की पिक्चर, शाहरुख खान साहब एकदम लेजेंडरी व्यक्ति वैसे भी। दोस्तों शाहरुख खान साहब की एक पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम है क्या? तेरे लिए टुडुडुम हम हैं जिए, टुडुडुम। ये पिक्चर देखिए आप, इस पिक्चर का नाम है वीर ज़ारा, इंटरमिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहा हूं, आई की वर्ड लिस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गजब की इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, आई, अल्फाबेट आई की वर्ड लिस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भयंकर इंपॉर्टेंट होती है। डबल स्टार लगाना, चाहे तो आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कैट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जीआरई का पेपर दे रहे हो, द वर्ड लिस्ट ऑफ आई स्पेशली डबल स्टार, राइट। इंटरमिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। दोस्तों भगवान के लिए हम लोग बोलते हैं इनफेलेबल। आप में से वो बच्चे जो आज सुबह अटेंड किए होंगे, यार मुझे एकदम दुखी किया आप लोग, इतना बढ़िया मैं मतलब आप लोग के लिए वो बनाया था, यार आप लोग के लिए अब मैं बनाऊंगा नहीं यार, एकदम मेरे को दुखी किया आज। पता है क्या मस्त कहानी सुनाया था आज मैं, अफगानिस्तान को क्यों बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जब सोवियत यूनियन वहां पे एंटर किया तो क्या हुआ, रेड आर्मी को बोला जाता था इनफेलेबल, रेड आर्मी को धूल चखा दी भाई, गजब टाइप का था। एक्चुअल में क्या, एक्चुअल मुजाहिदीन कौन थे, क्या हुआ था, कैसे लड़े, कैसे खदेड़ के उन लोगों ने भेजा, कैसे इसमें सिमिलैरिटी वियतनाम के युद्ध से और आज का जो यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान से अपने सोल्जर्स को बोला, कारण क्या है, तो उसको कनेक्ट करके आपको बताया था, आपको मजा आया होता। नहीं देखे तो देखना यार उसको, वो सेशन आप लोग को बहुत हेल्प करेगा जीडीपीआई में, इसलिए बस मैं बोलता हूँ आप लोग को इनफेलेबल, उसके पीछे बहुत बहुत सारा आरएनडी करता हूँ, बहुत सारा इनफेलेबल को। दोस्तों इनफेलेबल मतलब जिसको हराना, इनफेलेबल मतलब समवन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, उसको बोलते हैं इनफेलेबल। इनफेलेबल का मतलब लिखेंगे जो मिस्टेक नहीं कर सकता, जैसे कई बार अलग अलग रिलीजन में गॉड के लिए बोलते हैं आप लोग इनफेलेबल। आप में से कई लोग जो वोट दिए होंगे, जैसे इंक लगता है, इंक लगाई जाती है ना, उसके लिए वर्ड है इनडिलायबल। इनडिलायबल मतलब होता है इसको मिटाया ना जा सके, क्या बोलते हैं इनडिलायबल, आपको विजिबल है, आई एन डी ई एल आई बी एल ई, इनडिलायबल, जिसको मिटाया ना जा सके। मेरे साथ में जो बोलूंगा दोस्तों, मैं एकदम बहुत ही लिमिटेड चीजें बोलूंगा, एक एक चीज को लिखना, मैं आपको रियली बता रहा हूं हर एक चीज को, इनडिलायबल। अगर मैं आपको बोल रहा हूं फिर उसको रहना ना एग्जाम में। दोस्तों इनडिलायबल, जिसको मिटाया ना जा सके उसको इनडिलायबल। अभी तक आई के तीन वर्ड्स है, कौन कौन से? इंटरमिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। नेक्स्ट इनफेलेबल, इनफेलेबल अपन कई बार गॉड के लिए बोलते हैं, समवन हु कैन नेवर मेक मिस्टेक्स, इट्स कॉल्ड इनफेलेबल। कभी वो गिर नहीं सकता, कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं इनफेलेबल। रेड आर्मी के लिए पहले बोला जाता था, फिर तो हार गए रेड आर्मी अफगानिस्तान में। इनडिलायबल वोटिंग के लिए बोलते हैं, जिसको मिटाया ना जा सके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अरे कहना क्या चाहते हो, थ्री इडियट्स का लेजेंडरी डायलॉग। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे स्पेलिंग लिखेंगे। आज तक के गेट में आपकी मुश्किल से एक दो बार ही स्पेलिंग आई है, मैनेजेबल करके एक वर्ड था वो आया था 2014 मेरे ख्याल है, तो वो उन्होंने एक ही बार पूछा स्पेलिंग मेरे ख्याल, तो हो सकता है एक आदमी से मिस हो गया होगा। तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल की स्पेलिंग लिखिए, बताइएगा एयरफोर्स वगैरह के एग्जाम में। दोस्तों स्पेलिंग करेक्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 से 3 पब्लिक सेक्टर में 3-3 क्वेश्चन तक आते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्पेलिंग लिख देंगे, वेल डन। आई एन सी ओ एम पी आर ई एच ई एन एस आई बी एल ई, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं? इनकॉम्प्रिहेंसिबल एच ई एन एस आई बी एल ई, सारे के सारे बच्चे सुपर तरीके से चल रहे कि नहीं? यार ये एक घंटे का टाइम कुछ नहीं ना दोस्तों, 26 मिनट हो चुका है, फुल टोस एनर्जी मांगता अपने को, ठीक है। दोस्तों इसी तरह से एक शब्द आपके लिए छोड़ रहा हूं, इनएक्सट्रिकेबल। अभी क्या ढूंढो, गूगल कर दो, कोई मतलब नहीं उसे, मुझे गूगल कर दो, मुझे बस आंसर चाहिए। इनएक्सट्रिकेबल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बता रहे हो इनएक्सट्रिकेबल, आई एन इनएक्सट्रिकेबल, ई एक्स टी आर आई सी ए बी एल ई। 5 वर्ड्स मैंने आई के लिए,
देखिए कौन कौन से, इंटरमिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अरे कहना क्या चाहते हो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज समथिंग दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल हुआ मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, समझ में ही नहीं आ रहा है, अनफैथमेबल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। याद रहेगा दोस्तों, सारे के सारे वर्ड याद रहेंगे आपको, लिखिएगा ना प्लीज, लिखिएगा सभी को। भगवान के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, इनफेलिबल, समवन हु कैन नेवर मेक मिस्टेक्स, इनडिलेबल वोटिंग इंक के लिए, और इनएक्सट्रिकेबल का मतलब बहुत बढ़िया, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये वर्ड पूछा था आईआईटी में, आईआईटी किसे मद्रास ने पूछा था ना, यस आईआईटी मद्रास ने पूछा था दोस्तों, 2011 की बात है ये क्वेश्चन पूछा था। आंसर मार्क कीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपके गेट के एग्जाम के हिसाब से इन्होंने आई के वर्ड लिस्ट को लिया, सारे के सारे ऑप्शन आई के दे दिए। फ्रॉम माई साइड इट्स अ डबल स्टार क्वेश्चन, inexplicable, they've asked the meaning of this word inexplicable, inexplicable वो जिसको explain न किया जा सकता, simple रखिएगा, inexplicable वो जिसको explain नहीं किया जा सकता, जिसे explain नहीं किया जा सकता वो, that is called inexplicable, double star लगाइए इस word को, inexplicable वो जिसको explain नहीं कर सकते, infallible तो God वाले के लिए use करते हैं, indelible voting के लिए use करते हैं, inextricable जिसको अलग नहीं कर सकते, inexplicable is something that is incomprehensible। superb तरीके साथ चल रहे कि नहीं, superb तरीके साथ चल रहे कि नहीं सारे के सारे बच्चे, दोस्तों मेरे साथ चलना, एक भी चीज मिस मत करना यार। आप में से जो मैकेनिकल वैकेनिकल वाले बच्चे हैं, उनको एक बार उसके दोस्त ने बोला कि यार मैं तो समझ में नहीं आता यार, क्या 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 तुम्हारा प्यार है या यूपीएससी का एग्जाम है, 10 साल से निकल ही नहीं रहा है। दोस्तों इसके लिए भी एक शब्द होता है, इसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल, जिसको पार ना पाया जा सके, इनसरमाउंटेबल जिसको पार ना पाया जा सके। कितने सारे वर्ड्स बोले अपन लोगों ने आई के, नहीं कितने सारे वर्ड्स बोले, इंटरमिनेबल लव ऑफ वीर एंड ज़ारा, अनएंडिंग लव ऑफ वीर एंड ज़ारा। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था इनएक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। इसके बाद हम लोगों ने लिखा था इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ में नहीं आ रहा, सेम होता है, इनडिलायबल जिसको मिटाया ना जा सके, इनफेलिबल, इनफेलिबल मतलब समवन हु कैन नेवर मेक मिस्टेक्स, इनएक्सट्रिकेबल जिसको अलग नहीं कर सकते, और ये इनसरमाउंटेबल। मजा आया सभी को, एकदम गजब तरीके से मजा आया दोस्तों, प्लीज मेरे साथ चलना, एक एक चीज जो बताऊंगा वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, इस 30 आवर्स में जितने भी चीजें बोलूंगा एक भी चीज मिस मत करना, ठीक है। दोस्तों आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम रोमांटिक गाना वाना गाते होंगे, कई लड़के ऐसे होंगे जो गजब टाइप गाना गाते होंगे, आंखों के टुडुडुम टुडुडुम गुस्ताखियां टुडुडुम, सर इसमें सबसे अच्छा लगा मुझे टुडुडुम, मैं जानता हूं। दोस्तों ये वाला सॉन्ग सुनेंगे आप, आंखों की गुस्ताखियां वाला, क्या नाम था पिक्चर का, संजय लीला बंसाली साहब की पिक्चर है ना ये, हम दिल दे चुके सनम, हाँ हाँ राइट राइट राइट। दोस्तों तो आंखों की गुस्ताखियां माफ हो ऐसा कर एक सॉन्ग नहीं है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सलमान खान साहब को ले लेते हैं। तो सलमान खान साहब यहाँ पे जैसे किसी, जैसे ऐश्वर्या राय जी को यहाँ पे वो कर रहे देख रहे हैं, दोस्तों किसी को देखने के लिए यहाँ पे दो शब्द होते हैं, कैसे दो शब्द सर, स्टेयर एंड स्टेयर, देखिए जरा शब्द को देखिए जी, STARE, आपको क्या लगता है दोस्तों कौन सा होगा, किसी को ऐसे घूरते रहना, इंटरव्यू में जाएंगे तो ऐसे घूरते नहीं रहना दोस्तों, ऐसा नहीं करना भगा देंगे ना दोस्तों, इसमें से कौन सा स्टेयर है जरा बताएंगे, एकदम सुपर तरीके से बेहतरीन तरीके से अपने को उसका आंसर मांगता है बाबू, क्या आंसर बोलते हैं, इसमें से एक सीढ़ियों के लिए होता है, एक देखने के लिए घूरने के लिए, तो ये हो गया अपना स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां राइट, और ये हो गया किस सामने वाले को जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, STARES, stairs is for किसी को घूरना। पता दोस्तों क्या हुआ, 2018 में आईआईटी गुवाहाटी को ये बात गजब लगी, बोले क्या गजब लोग हो यार तुम लोग, मस्त लोग हो यार, मुझे तुम लोग अच्छे लगे, ऐसे घूरते हुए आईआईटी ने, आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 में क्वेश्चन दिया मस्त तरीके से, यार तो बनाओगे नहीं क्या यार, कैसे करते हो यार, आंसर मारो यार, इसको बोलते हैं इंग्लिश यूसेज, गजब टाइप से आंसर मारेंगे दोस्तों, गजब टाइप से, गजब एकदम खूंखारस्त तरीके से आंसर मारेंगे, खूंखारस्त, क्या बोलते जी आंसर, आंसर क्या बोलते जी, आंसर क्या बोलते, चलो बताओ, व्हेन शी फेल डाउन द ब्लैंक, व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर्स, जब ये महिला जो है सीढ़ियों से गिरे, अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी फेल डाउन द स्टेयर्स, शी रिसीव्ड मेनी मेनी बिकॉज काउंटेबल नॉट मच, मच यहां पे लिख दूंगा तो क्या होगा, मच अनकाउंटेबल है, हम लोग यहां पे इंसानों के बारे में बात करें तो काउंटेबल होगा, इसलिए ये गलत है, मेनी ब्लैंक बट लिटिल हेल्प, लिटिल यहां पे एक नेगेटिव वर्ड है, वर्ड्स तीन होते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है जी, लिटिल नेगेटिव वर्ड होता है, लिटिल का मतलब कोई भी नहीं है, अ लिटिल मतलब कुछ लोग है, द लिटिल मतलब जितना भी था सब कुछ, ठीक है,
शी फेल डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से जब वो महिला गिरी, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर है। She received many stares. Many people were watching at her. So this is absolutely incorrect. This is the correct answer. आपको फील हुआ दोस्तों कितना अच्छा पेपर दिया आईआईटी गुवाहाटी ने? आपको फील हुआ? This is such a beautiful paper. आपको याद है मैं परसों आपको बोल रहा था आईआईटी गुवाहाटी में 2018 में पेपर को रीडिफाइन किया। This is the thing. इसको इंग्लिश यूसेज बोलते हैं कैट के पेपर। मैं कैट वालों को 10 साल से पढ़ा रहा था, आपको बता रहा हूँ। वी कॉल कैट में इसको इंग्लिश यूसेज बोलते हैं। It's a very beautiful pattern. ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये जो गेट में ये वाला डेवलपमेंट है ना, इसको बोलते हैं EU English usage. It's a very beautiful development. एक इसी के लिए ना SSC वगैरह में एक फ्रेज आता है। क्या, कौन सा फ्रेज सर? किसी को ना ऐसे घूरना देखना, इसके लिए CI2I करके एक फ्रेज आता है। जब ऐसे घूरने देखने की बात करें तो एक बार शाहरुख खान साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सर जी एक बार प्लीज आएंगे क्या? हाँ, अरे तो आप लोग की फेवरेट पिक्चर है, ये तो आप लोग की फेवरेट पिक्चर है, क्या क्या DDLJ दोस्तों। किसी को ना CI2I, दैट इज व्हेन द अदर पर्सन इज इन फुल अग्रीमेंट टू यू, इसके लिए फ्रेज होता है CI2I, साथ चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, गजब तरीके से साथ चल रहे कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे कि नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, फुल टू सपने को एनर्जी मांगता है, थके तो नहीं मेरे स्टूडेंटों के, थक जाओ क्या? सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, सवाल ही नहीं उठता, थके तो नहीं पहले बताओ। चलो मैं ख्याल शायद थोड़ा सा बोर हो गया होगे, आप में से जितने लड़के हैं चलो अपना फेवरेट सॉन्ग लिखो, दो दो लाइन लिखो, क्या दो दो लाइन नहीं, दो दो वर्ड लिख दो। आप में से जितने लड़के हैं मैं मान के चलूंगा वो उस गाने को गा रहे हैं। चलो क्या 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 लिख रहे हो? दो दो वर्ड्स, दो दो वर्ड्स लिखो अपने फेवरेट सॉन्ग का। क्या क्या सॉन्ग आपके फेवरेट? चलो देखता हूँ आपके फेवरेट सॉन्ग, देखते हैं दोस्तों क्या क्या। सभी को 30 सेकंड का टाइम दो, बिल्कुल एकदम एंजॉय करने का ना यार। पढ़ा तो इसको पढ़ाना थोड़ी बोलते हैं, इसको पढ़ाना बोलना बंद कर चुके हैं, है ना। क्या क्या लिख रहे हैं सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या लिख रहे हैं? चलो बताओ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और क्या लिख रहे हैं हम लोग? बहुत बढ़िया, टुडुम टुडुम, एकदम मस्त सॉन्ग है। तो एनीबडी, जितने भी लड़के हैं फुल टू अथॉरिटी है, मजेदार वाला सॉन्ग लिख दे, कम से कम दो दो वर्ड्स। चलो मैं मान लूंगा आप वो गाना गा रहे हो। टिप टिप वाला क्या? आकाश यहां तक ठरक दिख रही है, यहां तक ठरक के लिए वर्ड है डिबॉच, आकाश डिबॉच। दिल दिया गल्ला, बहुत बढ़िया। तेरे इश्क में नाचेंगे, ये कौन, इस सॉन्ग में जानता नहीं वाला, तुझे याद कर। अच्छा राधे चक दे इंडिया, बढ़िया। ओहो हो 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 हो, बिल्कुल सही है दोस्तों। जितने भी लड़के हैं आप लोग ये सॉन्ग लिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मस्त मस्त सॉन्ग लिखे हैं। मैं मान लेता हूं कि आप लोग गा भी रहे हैं कि नहीं? अरे सर ये ओहो वाला तो मैं गा ही रहा हूं। बस आप में से जितने लड़के हैं ना, एक बार मस्त होके गा दो अपने अपने घर में गाना, गा दो बिंदास, गा दो जोर से गा दो। अरे यार आपके पिताजी पूछेंगे तो बता देना मैं बोला था ऐसे गाने के लिए। बिंदास गाओ, बिंदास एकदम चिक चिल्ला के गाओ सर। लेकिन इसे हुआ क्या, ये जो किए ना, तो दोस्तों क्या होता है, जो मेंढक की आवाज होती है ना, उसके लिए एक वर्ड था क्रोक। सर मेंढक मतलब, मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों कि जो मेंढक आवाज निकालता है उसके लिए एक वर्ड है क्रोक। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो ये रहे आप लोग, तो जो अपन आवाज निकाले ना अभी ऐसे ही दोस्तों, जैसे मेंढक की आवाज आती है ना, उसके लिए एक वर्ड था इंग्लिश में, उसको बोलते क्रोक, याद रहेगा। 2015 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 2015 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा IIT ने 2015 में, और बोला कि बताओ मेंढक की आवाज बताओ। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितना अपनापन है दोस्तों, कितना ज्यादा अपनापन है, एकदम फील हो गया, पर्सनल पर्सनल लग गए क्वेश्चन तक एकदम, है कि नहीं? ये देखिएगा दोस्तों, आंसर मार्क कीजिएगा, या भी मेंढक की आवाज के बारे में पूछा। अभी याद कीजिए, अब गाना याद कीजिए। हाँ सर एक मिनट, अभी तो मैं गा रहा था, नहीं सुई वाला तो नहीं था, ये तो नहीं था, हाँ सर ये था टटर, हाँ ऐसे ही गा रहा था मैं भी। तो दोस्तों क्रोक के शब्द है ना 2015 में पूछा था कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, राइट। His movie भी क्या सर? हाँ his word भी होता है क्या? हाँ सर एक्चुअली मेरे ना वो रिसाइकल बिन में है ये पिक्चर, तो मैं कभी देखा नहीं, समझ रहा हूँ। सांप के लिए यूज करते हैं his, और रोर वो क्या थी, वो सलमान संजय दत्त साहब की पिक्चर नहीं, तो रोर लायन टाइगर के लिए यूज करते हैं। पैटर पानी की बूंदे या ये सब ना जो इसमें छज्जे वज्जे पड़ते उसके लिए पैटर बोलते हैं, पट 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 जो पानी की बूंदे पड़ते उसके लिए बोलते हैं पैटर, ठीक है। ये रहा पैटर, ये हो गया दोस्तों मेंढक की आवाज क्रोक, ठीक है।
ठीक है, एकदम सुपर तरीके से क्लियर हुआ, एकदम गजब खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है दोस्तों, सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं। आप में से जितने भी लड़कियां हैं, आप लोग की फेवरेट पिक्चर बताइए कौन सी है। मैं जानता हूं कौन सी है, एक तो पहले DDLJ होगी और दूसरे नंबर मैं बताऊं कौन सी है, कौन सी सर, ये आप में से, आप लोगों में से ना बाकी लड़कियों की फेवरेट पिक्चर होगी ये, जब वी मेट। जब वी मेट में करीना कपूर जी का एक डायलॉग है जो भयंकर फेमस हुआ। देखिए दोस्तों, जो शब्द बोलने जा रहा हूं मैं इसलिए फिर लड़कियों को लिया, क्योंकि ना लड़कों की फोटो वोटो पे कोई लाइक कोई करता नहीं यार। मैं देखा हूं हम कितने सारे लड़के यार, आप लोग भी कितनी फोटो डालते होगे फेसबुक में, नहीं मतलब एकदम ज्यादा तरस खा के बिना रूममेट ही लाइक करता है, वो भी जैसे हम लोग चले गए तो डिसलाइक करता है, मतलब वो हटा देता है, अनलाइक करता है उसको, नहीं तो इसलिए मैं इस हिसाब से बोला। अब लड़कों को दूसरे की फोटो पे कमेंट करना भी नहीं आता, मतलब कोई व्यक्ति अच्छा साफ सुथरा भी दिख रहा है तो भी यकीन नहीं आता कि तो ही है, मतलब ये क्या है, तारीफ है, बेइज्जती है, क्या है ये। तो दोस्तों इसमें ना करीना कपूर जी एक डायलॉग बोलती है, क्या डायलॉग बोलती है, मैं मेरी फेवरेट हूँ, याद है आपको दोस्तों, मतलब मैडम बहुत बढ़िया ये तो, लेकिन थोड़ा विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैडम थोड़ा बाकी लोग को भी तो तारीफ करने का प्लीज मौका दीजिए। तो उसको तारीफ करने के लिए या फोटोग्राफ आप पोस्ट करते हो उसमें फेसबुक में, तो लोग आपको देते हैं कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैडम ने अभी खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया, COMPLEMENT या फिर COMPLIMENT, विच वन इज करेक्ट गाइस, कौन सा कॉम्प्लीमेंट करेक्ट है, सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से। मुझे सारे के सारे बच्चे साथ में चाहिए दोस्तों, पहले बता देता हूँ एकदम जबरदस्त तरीके से दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला क्या बोलते हैं जी बताओ दोस्तों, आई लव कॉम्प्लीमेंट। मान लेते हैं आप में से कोई भी एक लड़का मस्त तरीके से, कोरोना खत्म हुआ, मान लेते हिरेन निकला घर से बाहर, भाई साहब दुनिया हिला देंगे हम, तो हिरेन निकला, हो गया कोरोना वोरोना खत्म, मान लेते हैं आज से कुछ समय में हिरेन बाहर निकला कि अब तो लोग देखेंगे हिरेन एक्चुअली कैसा खूंखार दिखता है। लड़का एकदम चटक पीले कलर की शर्ट पहना, चटक ऑरेंज कलर का ट्राउजर, नीले कलर के जूते, लाल कलर का बाल लगा के एकदम दोस्तों चटक हरे कलर का चश्मा लगा के निकला, यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सूरज भी छुप गया, ये क्या भाई, ये कौन सी चीजें जो चल रही है दोस्तों। लोगों को भी लगा खुद साक्षात इंद्रधनुष चल रहा है दोस्तों, इस तरह से ना। और ऐसे लड़कों का तो ऐसे रहता है, लड़कों का ड्रेसिंग सेंस ऐसे ही रहता है, मतलब मैं भी सुनाता हूँ, हम सब आते हैं उसमें, लड़कों का ड्रेसिंग सेंस ऐसे ही रहता है। हम लोग शॉपिंग करने भी जाते हैं तो जो पूरे दुकान में सबसे गंदे कलर की टी शर्ट होगी ना वही उठाते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि बढ़िया दिख रही है। तो दोस्तों लेकिन हम सबको ना आई लव कॉम्प्लीमेंट, हम सबको क्या पसंद है, आई लव तारीफ, आई लव तारीफ, आई लव प्रेज, आई लव कॉम्प्लीमेंट, याद रहेगा दोस्तों हम सभी को, यस। तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट तारीफ वाला, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या है सर, अरे यार आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी तो इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, चाय पीते हैं कि नहीं सर, चाय के बारे में कुछ सुन नहीं पाऊंगा मैं, अब मुझको हाँ मुझे चार चीज बोल दीजिए, डांट दीजिए, फटकार दीजिए, मुर्गा बना, चाय के बारे में नहीं सुन पाऊंगा सर मैं, चाय और उसके अलावा एक और चीज़ है सर उसके बारे में सुन नहीं पाऊंगा मैं, मतलब सर मेरा ब्लड टेस्ट परसों हुआ था तो डॉक्टर ने बताया चाय बहुत ज्यादा आपके में, नहीं सर खून खून तो ठीक है लेकिन चाय बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो हम लोग कई बार चाय के साथ बिस्किट लेते हैं, चाय के साथ पैन, चाय के साथ पोहा लिए, तो ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे को आपस में कॉम्प्ली करती हैं, ठीक बात है, एकदम गजब तरीके से सुपर तरीके से उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों 2018 में IIT गुवाहाटी ने एक क्वेश्चन पूछा, देखो तो क्या आंसर मारा, अरे यार क्या कर रहे हैं यार IIT गुवाहाटी सब चीज पूछ लेते हैं यार यार, इसलिए मैंने आपको याद है उस दिन बोला था 2018 का पेपर ना IIT गुवाहाटी ने बहुत अच्छा दिया था यार, बहुत ही अच्छा दिया था इन्होंने पेपर, मारो जी मारो आंसर मारो दोस्तों, अपने पास 15 मिनट और है ना। मुझे सारे बच्चे एकदम फुलटुस जोश में चाहिए, फुलटुस। द ड्रेस ब्लैंक हर सो वेल दैट दे ऑल इमीडिएटली ब्लैंक हर फॉर अपीयरेंस, द ड्रेस फिट्स हर सो वेल, द ड्रेस फिट्स हर। तो ये तो तारीफ हो गया, तो ये हटा दो, ये आई वाला तारीफ हो गया, सो ये करेक्ट और ये करेक्ट, इसमें आता आगे सो वेल दैट दे ऑल इमीडिएटली ब्लैंक हर प्रेज्ड हर, तारीफ हर, तो ये हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। मस्त सुपर तरीके से गोपाल नालायक, तुम सी आंसर मारे, तुम जिंदगी से अलग ही उम्मीद लेके बैठे हो भाई, सबसे पहले कटा है वो गोपाल तुम्हारे लिए ना, एक लड़का आया था उस दिन ये बोल रहा था क्या 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 क्या, गोपाल को बोल दे रहा छेनू आया था, और उसके बाद ये बोला गोपाल आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें पैर पे मत, इसे जमीन पे मत रखे, मैले हो जाएंगे।
सो गोपाल व्हाट अ पल्सरिटिव्डिनस पाव यू हैव, मजाक कर रहा हूं लड़के, ये लो पल्सरिटिव्डिनस। पल्सरिटिव्डिनस का मतलब खूबसूरत, अति में खूबसूरत, बहुत भयंकर तरीके से खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। हाँ चल रही नहीं, चलो 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 यार, थकना नहीं है दोस्तों, लास्ट 14 मिनट्स गाइस, कम ऑन, फुल टोस एनर्जी के साथ अपने को बैठना है। आपके पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। पल्सरिटिव्डिनस पांव, ये आपकी ना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पूछा वर्ड है, वही वर्ड आ रहे हैं फिर आपके एग्जाम में जो इधर उधर आ जा रहे हैं। साथ चल रहे सभी लोग, साथ चल रहे सारे के सारे बच्चे, साथ चल रहे कि नहीं? सर मैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं थक गया सर एकदम से, बहुत ज्यादा क्या सर, बहुत ज्यादा वर्ड्स पढ़ा, याद है कि नहीं? सर याद बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या, कैसा लग रहा है, कैसा लग क्या सर है? सर मुझे लगता है सक्सेस सर चढ़ रही है मेरे एकदम ज्यादा, सर सक्सेस सर चढ़ रही मेरे। कैसा घटिया डायलॉग मारते हो यार, थक गए हो तो सो जाओ, थक गए हो तो सो जाओ, सो जर्न, थक गए हो तो सो जाओ, सही बात नहीं, थक गए हैं तो सो जाएंगे। सोजर्न, सोजर्न का मतलब होता है जर्नी में अगर थक गए हो तो सो जाओ, देखो ना, जर्नी में थक गए हो तो सो जाओ, सोजर्न, जर्नी में थक गए हो तो सो जाओ, जे ओ यू आर एन एन ई वाई, जर्नी में थक गए हो तो सो जाओ, सोजर्न। साथ चल रहे कि नहीं पहले बताइए। सोजर्न की जैसा एक और वर्ड है क्या सर कोई? यस यस यस, जहां पर भी रूट वर्ड दोस्तों सोम या सोमनो आएगा, सर आपकी क्लास में को क्या मजा आता है। अरे थैंक यू यार, कैसे कैसे सर, आप जैसे बोलना शुरू करते मेरे को ऐसी नींद आती है ना सर, आप रुका मत कीजिए, क्योंकि क्यों, 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 क्यों? जैसे रुकते मेरी नींद टूट जाती है, इतनी मस्त नींद आती, बेस्ती कर रहे मेरी नालायक। दोस्तों सोम या सोमनो रूटवर्ड जहां पर भी आएगा नींद को लेके आएगा। साथ चल रहे कि नहीं चल रहे? सर कौन सा रूटवर्ड बोल रहे हैं आप? ये वाला, सोम या सोमनो जहां पर भी आएगा नींद को लेके आएगा, याद रहेगा दोस्तों। आप में से वो बच्चे जो बहुत ही ज्यादा नींद नींद सा फील कर रहे हैं, नहीं सर नींद कहाँ आ रही है सर, एकदम ज्यादा नींद नहीं आ रही है, सोमनोलेंट। आप में से ज्यादातर लड़के जो इंजीनियरिंग वाले लड़के लड़कियां सब, मतलब, तो रात रात में जागते होंगे, इनसोम्निया, इनसोम्निया एक डिसऑर्डर होता है, ऐसे लाइट नोट पे बोल रहा हूँ, इनसोम्निया मतलब रात को नींद आना जागना। आप में से वो लोग जो नींद में चलते हैं, सर 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 नींद में चलते हैं और पैर भी उल्टे होते हैं क्या? चुड़ैल के बारे में बात नहीं कर रहा दोस्तों, इंसानों के बारे में बात करें, जो सिर्फ नींद में चलते हैं, पैर तो पैर कैसे उल्टा होगा यार, पैर सीधा ही है, नॉर्मल पैर है यार, कैसे कैसे बातें करता हो दोस्तों, हम इंसानों के बारे में बात कर रहे, चुड़ैल वड़ैल के बारे में बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों जो लोग ना नींद में चलते हैं उनके लिए क्या वर्ड बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। साथ चल रहे हैं कि नहीं? ये लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है सोमनैम्बुलिस्ट, सुपर से भी ऊपर तरीके से, साथ चल रहे कि नहीं? सोमनैम्बुलिस्ट लिख डालो, एकदम गजब टाइप से लिख दो। सर कभी कभी तो मेरे को ना आपको जोक भी समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कितना बेकार जोक मारते हैं, कुछ भी बोलने का, जयकांत शिखरे के ईगो को हट नहीं करने का। दोस्तों अपना ये म्यूजिक टुडुम टुडुम ये जो के इम्पोर्ट, बाकी पढ़ाता तो मैं एवरेज ही हूँ, वो मस्त रहता है कि नहीं? दोस्तों यहाँ से एक और वर्ड लेता है, अरे कहना क्या चाहते हैं सर, आप कई बार बोलते हैं समझ भी नहीं आता, अरे कहना क्या चाहते हैं सर, वॉट एवर यू से इज अनइक्विवोकल टू मी, सर जो कहना चाहते हैं प्लीज ठीक से बोलिए। वो देखिए आप, वो पिक्चर देखिए, हेरा फेरी, ए मुंह से सुपारी निकाल के बोलना बाबा, भाई कहना क्या चाहते हैं, प्लीज बी अनइक्विवोकल। दोस्तों वर्ड देखिए जरा, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब होता है एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। अनइक्विवोकल सुनने में लग रहा है, ये वर्ड डबल स्टार लगाना, अगर आप अभी जीआरई का भी एग्जाम दे रहे हो तो भी मैं डबल स्टार लगाता। रीजन, इक्विवोकल शब्द का मतलब होता है जहां पे डाउट होता है, कैसा उल्टा वर्ड है यार ये, अनइक्विवोकल इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। साथ चल रहे हैं कि नहीं? दोस्तों एक एक वर्ड जो मैं बताऊंगा मिस नहीं कर रहा ना, पहले बता दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक एक वर्ड जो ले रहा हूं हर एक वर्ड आपके लिए छांट के रखा है मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सुनो, एक छोटी सी बात पूछता हूं, देखो दिल से बताना, मान लो किसी के एग्जाम का रिजल्ट आया, ठीक है, चलो मान लो आपका रिजल्ट आया, सॉरी टू से, एक मान लो आपका रिजल्ट आया, सिटी का रिजल्ट आया, और आप दिए सिटी और गजब दो लड्डू मिला उसमें, मतलब सर जीरो मार्क्स, मान लो वो रिजल्ट आया तो अच्छा नहीं गया ना, मूड खराब हो गया। अब ऐसा कभी भी आपका मूड खराब हो गया, या आप घर में ना माँ ने आपको किसी बात से डांट दिया, या फिर जैसे जो लड़कियों को पिताजी भयंकर कूटे, सर क्यों क्यों, पिताजी लोग को रीजन थोड़ी चाहिए रहता है यार, लड़कों को कूटने के लिए, कूट दिया पकड़ के, मतलब ठीक किया वैसे, तो ऐसे टाइप से। अब इसके बाद आप पढ़ने बैठे हो, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा आपको कि यार सुनो ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, अरे हटाइए ना सर दिमाग खराब, एक तो जो पा रहा है वो एकदम पटक दे रहा उठा के, सही है ना?
सर दिमाग खराब हो गया सर, स्कूल के कॉलेज का सिटी का रिजल्ट आया। मतलब इसका मतलब इमोशनल ये इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है उसके ऊपर एक कुछ और भी होता होगा जिसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूं या आज रात को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग ना यहां से लेकर अपने एग्जाम तक एक बार प्रॉब्लम फेस करेंगे, जितने भी प्रॉब्लम फेस करेंगे उन सभी में सेशन लेते चल रहा हूं। आज रात को आपके साथ एक और चीज पर डिस्कशन करूं क्या? परेशान रहिए, परेशान रहने प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रहे जिंदगी में, प्रॉब्लम जरूरी है। डांट खाइए, लात डांट सब खाइए घर में, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्टिविटी कैसे बनी रहे, क्या बोलते हैं? मतलब अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इमोशंस को पहचानते कैसे हैं, और खराब फील करते हुए भी ये जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं एफर्ट देते कैसे हैं, फोकस्ड रहते कैसे हैं। एक 30 मिनट्स का सेशन लेके क्या बोलते हैं, एक 30 मिनट्स का सेशन रखिएगा, क्या बोलते हैं, इवनिंग में, है ना? तो आज वैसे भी आज रखिए, क्या बोलते हो, है ना? मैं बोलता हूं आज रात को मिलते हैं, आज ना थोड़ी देर का सेशन रहेगा, शाम में नहीं, रात को मिलता हूं आज आपसे। आज खाना वाना खा लो, रात के 10 बजे रखते हैं, क्योंकि ना मुझे एकदम पूरा फोकस चाहिए आप लोग का, है ना? मुझे लगता है एक ये प्रॉब्लम फेस करते होगे भी, किसी दोस्त से कुछ बातचीत हो गई, अनबन हो गई, माँ पिताजी ने डांट दिया, छोटे भाई से झगड़ा हो गया, घर में फेवरेट सब्जी, जैसे मान लेते हैं आप में से जो वेजिटेरियन है किसी की फेवरेट सब्जी होगी टिंडा तुरई, उसकी फेवरेट सब्जी नहीं बनी, पनीर बन गया, एकदम मुंह बना लिया। लेकिन टिंडा किसकी फेवरेट सब्जी होती है? अरे सर मेरी बचपन से फेवरेट है सर टिंडा, आप उस पर कहाँ जा रहे हैं? ठीक है जैसे भी है, तो फिर उसका मुंह बन गया कि यार ये कोई तरीका हुआ यार। तो दोस्तों कैसे खराब फील तो करेंगे अपन जिंदगी भर, लेकिन खराब फील करते हुए ना प्रोडक्टिविटी कम नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हैं? नहीं, मैं बोलता हूं आज ना खाना ना खा के रखना, रात के 10 बजे 30 मिनट्स का सेशन रखते हैं, 30 मिनट के लिए लाइव आते हैं, लाइव बात करते हैं 30 मिनट्स। नहीं, एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा कि अपन फेस करते होंगे, क्योंकि तो डेली जिंदगी की प्रॉब्लम है दोस्तों। इसीलिए ना ये कहा जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब इमोशनल क्वेश्चन भारी होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे। इसीलिए ना इमोशंस को संभालना अपने को इम्पॉर्टेंट है। धोनी साहब की इज्जत इसीलिए इतनी ज़्यादा है पूरी दुनिया में, वो खेलते जो थे, कीपिंग जो करते थे, वो सब अपनी जगह पे है। एक इंसान जो सक्सेस और फेलियर को जो बराबर तरीके से लेता है ना दोस्तों, वो इनक्रेडिबल वो व्यक्ति। धोनी साहब में ना ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो अपन बात करेंगे आज रात को, अपन बात करते हैं 10 बजे, क्या बोलते हो? मजा आएगा आपको। चलो वापिस आ जाओ यहाँ पे। अरे सर कहना क्या चाहते हैं इज अनइक्विवो, दोस्तों प्लीज बी अनइक्विवोकल, प्लीज बी क्लियर, याद रखिएगा अनइक्विवोकल था त्लियल बोल, त्लियल वो पीछे देखियो, त्लियल बोल भाई, त्लियल बोल वो पीछे देखियो आप। गाइज व्हाटएवर यू आर राइटिंग प्लीज बी थॉरो। मुझे आज भी याद है, मैं ना मेरे स्कूल में पेपर हुआ था तो मैं एक आंसर लिखा था, तो मेरे टीचर ने उसको कट करके 0 नंबर दिया था मुझे। उन्होंने मुझे बकायदा पूछा, सौरभ तूने लिखा है कि कीड़ा चला यहाँ से, तू मेरे को पढ़ के पता चल क्या लिखा है। मैं नहीं पढ़ पाया था लेकिन मैं क्या लिखा था। दोस्तों इसी चीज को ना IIT रुड़की ने 2017 में सवाल के रूप में पूछा, मारिए दोस्तों आंसर, उठा के पटक दीजिए इस क्वेश्चन को, थकिएगा मत ना। अपने पास कितना मिनट है? 7-8 मिनट है अभी अपने पास दोस्तों, 8 मिनट है ना फुल एकदम एनर्जी, इसके बाद तो अपन लोग पूरा दिन अपने पास 8 मिनट है दोस्तों, खटक से आंसर मारेंगे, क्या बोलते हैं जी, खटक से आंसर मारेंगे, फुल टू एनर्जी के साथ आंसर मारेंगे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आंसर मारें, क्या बोलते हैं जी। यहां पे बोला है देयर वॉज नो डाउट दैट द वर्क वॉज थॉरो, थॉरो मतलब एब्सोल्यूट एकदम ग्रुलिंग डीप, ऐसा प्रिटी नहीं, प्रिटी नहीं, स्लॉपी पीस ऑफ वर्क नहीं, नहीं नहीं, कंप्लीट एब्सोल्यूट कंप्लीट इन डेप्थ, यस। हैफेजर्ड मतलब अस्त व्यस्त हो गया, हैफेजर्ड एंड स्लॉपी श्रेणी में, बाय द वे, है ना गोविंद, ऐसा मत करो लड़के, दोस्तों गलत कर दीजिए लेकिन बहुत बड़े मार्जिन। हैफेजर्ड, हैफेजर्ड नहीं बोलते अस्त व्यस्त को, नहीं बोलते हैफेजर्ड, हैफेजर्ड पीस ऑफ राइटिंग, हैफेजर्ड हाँ अस्त व्यस्त को। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो प्यूराइल है जी, दोस्तों ये वर्ड बहुत ज्यादा है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके, इस वर्ड को आना ही था आपके गेट के एग्जाम में, यकीन मानिए 10 बार से ज्यादा आपके इंजीनियरिंग सर्विस में आया वर्ड। कौन सा वर्ड सर? दिल तो बच्चा है जी, दिल तो प्यूराइल है जी, प्यूराइल के लिए, बच्चे के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल सर बहुत सारे, नाइव NAIVE, नेफ NAIF,
टायरो टी वाई आर ओ, कैलो सी ए एल एल ओ डब्ल्यू, ग्रीन ग्रीन हॉर्न, अप्रेंटिस एमेच्योर, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं दोस्तों, चाहे तो चाइल्डिश चाइल्ड लाइक, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, चाइल्डिश सी एच आई एल डी आई एस एच, चाइल्डिश बिहेवियर, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक बार की बात है, कैट के पेपर में हालांकि उन्होंने पूछा था डिफरेंस, जानते हो आप चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक में डिफरेंस, सोचिए क्या बढ़िया क्वेश्चन था, चाइल्डिश ये आपके एग्जाम के लिए तो अच्छा एप्ट क्वेश्चन है, नहीं चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक में डिफरेंस। दोस्तों फुल एनर्जी मेंटेन रखिएगा, मुश्किल से चार मिनट करीब अपने पास, पांच मिनट है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, मुझे उससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, चिंता मत करो, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक में डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, आप में से जितने भी लोग पिक्चर देखते होंगे, मूवी वूवी देखते होंगे, आपके जो भी फेवरेट एक्टर होंगे, जैसे कौन है फेवरेट एक्टर अभी, अपने आलिया भट्ट जी हो गई, छोटी साइड की मासूमियत से एकदम उनके चेहरे पे बच्चे टाइप भी लगते हैं एकदम, तो आपने बोला आई लाइक आलिया भट्ट चाइल्ड लाइक बिहेवियर, या चाइल्ड लाइक उनका बबली फेस है ना बहुत, सो आई लाइक हर चाइल्ड लाइक एक्टिंग, या चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मासूमियत से भरपूर पॉजिटिव। दोस्तों सोच के देखो, आप में से कोई दो लड़का है, ये बिग बाजार है कहीं गया शॉपिंग करने के लिए, खरीदने के लिए गए, जिस दो लड़के वो पीजी जी रहते हो गए तो राशन लेने के लिए गए, उसमें से एक दोस्त ने बोला यार ये खरीदते हैं ना यार सामान खरीदते हैं, आपने बोला रुकना यार बाद में खरीदेंगे वैसे भी तंगी चल रही है, वैसे ना लौट के रोने लगा, ऐसा कौन लड़का ऐसा करता है, लेकिन वो रोने लगा ऐसे, आपने बोला सुन सुअर देखो रोना है रो, मैं जा रहा हूं और याद रखना जो पैसे आधे तेरे हिस्से में लिखवाऊंगा ऐसे। तो दोस्तों इस तरह से वो जो लड़का कर रहा है, इट इज चाइल्डिश बिहेवियर। वंस अ वाइफ सेड टू द हस्बैंड स्टॉप योर चाइल्डिश बिहेवियर, सही है ना, चाइल्डिश मतलब क्या होता है सर, बचकाना, चाइल्ड लाइक क्या होता है सर, बच्चे जैसा, याद रहेगा क्या, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चे जैसा, चाइल्डिश इज बचकाना। इन द ईयर 2019 आईआईटी मद्रास हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इन द ईयर 2019 आईआईटी मद्रास आस्क्ड दिस क्वेश्चन, IIT Madras has asked this question. Go ahead, guys. Mark the answer, please. थकना मत दोस्तों ना, लास्ट के दो तीन चीजें बस, that will be it. Superb तरीके से आंसर मार्क कर देंगे, खत्म, अपना मजा आ जाएगा. सुपर से भी ऊपर, अपने पास कितने मिनट है, चार मिनट है दोस्तों, एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड पहुंच चुके, अरे थक गए क्या यार, ऐसा कैसे हो सकता यार, थक नहीं सकते भाई साहब, थक गए क्या हम लोग दोस्तों, सो प्यूराइल ह्यूमरस मतलब फनी होता है, ह्यूमरस नहीं हुआ यहाँ पे, ह्यूमरसली हो, सो टीवी वालों का एक शो आया था ना, वर्चुअस नहीं, विम्सिकल मतलब होता है सडन चेंज इन मूड, यूजुअली ना बादल के लिए, मौसम के लिए, सबके लिए अपन बोलते हैं विम्सिकल, ठीक है, चाइल्डिश बिहेवियर याद रहेगा आपको, दिस द आंसर। थके तो नहीं, एकदम नहीं थके तो दोस्तों एकदम सुपर तरीके से, एक बार तो दिल की नदियां बहाने का वो करें, क्या बोलते हैं, एक बार अगले चार मिनट यार, मुझे तो चार मिनट चाहिए सिर्फ, और मैं तो 60 मिनट ज्यादा ले भी नहीं रहा आप लोगों के सेशन, है ना, एकदम गजब टाइप मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं। दोस्तों एक मूवी आई थी, मतलब रोहित शेट्टी साहब मुझे भी मस्त लगते हैं, उनकी वो पिक्चर सबसे अच्छी रहती है, चेन्नई एक्सप्रेस, बहुत मस्त लगती है, मजेदार कॉमेडी पिक्चर है वो, शुरू मतलब कॉमेडी शुरू शुरू बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी वो पुचुक पुचुक वाले, क्या नाम वो क्या, सिंगम वाले पिक्चर बहुत मस्त लगती है, वो सिंगम नहीं है इसमें, क्या नाम है, अजय देवगन साहब वो शेर बन जाते हैं वाला, उसमें जो फाइटिंग सीन है मस्त, थोड़ा एकदम लार्जर देन लाइफ इमेज रहती है ना इनकी, रोहित शेट्टी साहब की पिक्चर है, हीरो ऐसे टूथपिक लेके निकल रहा है, और टाटा सुमो, रोहित शेट्टी साहब की पिक्चर में मेन हीरो जानते हो कौन रहता है, टाटा सुमो के बाद रहते हीरो लोग, बट बाकी मेन जो अट्रैक्शन रहता है ना वो टाटा सुमो, हीरो ऐसे टूथपिक लगा के निकला हुआ है, चार पांच टाटा सुमो आंखें से घेर लिए, पूछो 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 मारा सारे के सारे सुमो, या भ्यूं 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 दोस्तों कैसे टाइप का पिक्चर बनाते सर आप, दोस्तों तो ऐसे टाइप की उनकी पिक्चर आई थी दिलवाले, बोला सर कसम से बता रहा हूं इस पिक्चर को देखने के बाद ना मेरी जान निकल गई थी, दिलेता दिलवाले, ये फ्रेंच वर्ड है, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इस वर्ड को लिख के रखिएगा आप लोग, ना पब्लिक सेक्टर में आ गया यार ये वर्ड एक्चुअली, इसलिए आपको लिखवा रहा हूं दिलेता। सर ये होता क्या है, वो जो प्यूराइल लिखे हो ना उसी के श्रेणी में, नौसिखिए के लिए बोलते हैं दिलेता, याद रहेगा आपको, नौसिखिए के लिए बोलते हैं दिलेता, याद रहेगा सभी को, एकदम सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से क्लियर है कि नहीं, एकदम मजेदार तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों, सारे के सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं। दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन में चलेगा, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, ग्रेट यार, मैं सोचा नहीं था कि आप लोग यहां तक पहुंचेंगे, सुपर तरीके से एनर्जी मेंटेन रखा आप लोगों ने, बेहतरीन। आज के लास्ट पॉइंट में जाता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कई लोग होते हैं जो ना फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, यस, जैसे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये फ्यूचर देख सकते हैं, मतलब सर नहीं देखिए यार,
मेरे करण अर्जुन आएंगे। दोस्तों राखी जी का डायलॉग नहीं था मेरे करण अर्जुन आएंगे, दोस्तों वो लोग जो फ्यूचर देख सकते हैं ना उनके लिए बहुत सारे वर्ड्स है, हेराल्ड, हार्बिंगर, दीस काइंड ऑफ वर्ड, HERALD, हेराल्ड, हार्बिंगर, BINGER, प्रोग्नोस्टिकेटर, ऐसे बहुत सारे, सूदसेयर, फोर रनर, फोर टेलर, बहुत सारे वर्ड बोल सकते हैं, प्रोग्नोस्टिकेटर। दोस्तों मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रोग्नोस्टिकेटर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो फ्यूचर दे, लास्ट है दोस्तों, आखिरी, HERALD, हेराल्ड, हार्बिंगर, ओए हार्बिंगर, BINGER, सूदसेयर, SOOTH, SAYER, सूदसेयर एंड सो ऑन। सभी को क्लियर है क्या? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि मैडम जैसे ये आपके पास पावर है, जैसे आप बता देते हैं देखते ही कि करण अर्जुन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसी टाइप से थोड़ा सा बताइए ना प्लीज, स्टॉक मार्केट में को पैसा लगाना है, मेरे करण अर्जुन नहीं मैडम, वो समझ गया अपन आ रहे होंगे, करण अर्जुन रास्ते में होंगे, तब तक थोड़ा सा अपना भी प्रॉफिट हो जाता है इसलिए बोल रहा था बस मैं, मेरे करण मैडम वो तो ठीक, वो समझ आ रहे करण अर्जुन रास्ते में है, लेकिन वो उसका स्टॉक मार्केट का पूछ रहा था मैं। तो फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोग रिक्वेस्ट किए, तो मैडम ने बोला कि देखो जी पहले जो डॉलर था ना, एक डॉलर पहले ये 50 रुपए का था, हाँ मैडम हाँ, फिर आ गया, अब देखो एक डॉलर हो गया है 100 रुपए का, हाँ इसका मतलब मैडम, इसका मतलब रुपए देखो डिप्रिशिएट हो गया है, इसका मतलब डॉलर अप्रिशिएट हो गया है। अच्छा नहीं, मैं तो स्टॉक मार्केट में पूछा था, बाकी फिर वही करण अर्जुन आएंगे। अरे मैडम क्या क्या बता दिए यार, ये मैं क्या करूं डॉलर के, दोस्तों विजनरी लोग ऐसे होते हैं, हम लोग जैसे तो समझे ही नहीं थे, इतने बढ़िया बात बताया राखी जी ने, दोस्तों जैसे ही उन्होंने ये बात बोला 2014 में क्वेश्चन आ गया, वो भी सोचो इस साल बनाने वाली IIT खड़गपुर, सोच के देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में डायलॉग था ये जो IIT खड़गपुर ने दे दिया, फिर क्या बात है मैडम, आप सच में बहुत ज्यादा विजनरी हैं, अब तो करण अर्जुन को आ ही जाना चाहिए दोस्तों, अब तक तो करण अर्जुन को निकल चुका होना चाहिए था घर से, समझ पा रहे हैं दोस्तों, द वैल्यू ऑफ $1 इज 65 Indian rupees टुडे कंपेयर टू 60 लास्ट ईयर, पिछले साल एक डॉलर जो था वो था 60 रुपए के बराबर, आज है 65 रुपए के बराबर। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन अकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, क्रैक, कॉन्कर, a challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators, with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.